पेज नंबर 93 प्रश्न वाली 4 का ठीक क्या दिया है निम्नलिखित समीकरणों को विभेदक ज्ञात करना है प्रश्न दिया है पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पहला हल पहला हल यहां क्या दिया है प्रश्न x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 ठीक हो गया इतना सूत्र क्या होता है विभेदक का विभेदक बराबर क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac अब यहां क्या करें सबसे पहले तुलना करना है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 ठीक यहां क्या आ जाएगा a x का घात 2 प्लस b x प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर जब तुलना किया जाएगा x स्क्वायर घट जाएगा तो a का मान क्या हो जाएगा 1 यहां कुछ नहीं इसका मतलब क्या है 1 दिया है b x x घट जाएगा b का मान क्या आ जाएगा -4 यहां क्या दिया है -4 और c का मान क्या आ जाएगा 2 ठीक अब सूत्र के हिसाब से रख लोगे विभेदक का संकेत क्या है b से संकेत किया जाता है क्या सूत्र b स्क्वायर माइनस 4ac b का मान क्या दिया है -4 यहां क्या आ जाएगा -4 और घात में क्या दिया है 2 b माइनस के स्थान पर माइनस अब इनके बीच क्या चीज का चिन्ह है गुणा का चिन्ह है तो 4 के स्थान पर 4 लिखा a का मान क्या दिया है 1 यहां क्या है 1 फिर गुणा का c का मान क्या दिया है 2 बराबर अब यहां -4 को दो बार गुणा करना है तो माइनस माइनस दो बार गुणा हुआ प्लस हो गया और 4 6 क्या हो गया 16 और ये क्या दिया है माइनस अब क्या आ जाएगा 4 दूनी 8 यहां क्या आ गया 8 अब 16 में 8 को घटाए कितना बचा 8 ये हो गया आंसर ठीक उसी प्रकार मान लो दूसरा क्या दिया है दूसरा क्या प्रश्न दिया है x माइनस 1 और यहां क्या दिया है 2 x माइनस 1 बराबर 0 समीकरण के रूप में नहीं दिया है तो पहले समीकरण बनाओगे x का गुणा इन दोनों से होगा तो क्या हो जाएगा x का गुणा 2x माइनस 1 से किए फिर माइनस 1 का गुणा किससे किए 2x माइनस 1 से बराबर 0 2x में x का गुणा कितना है 2x स्क्वायर ठीक x का गुणा माइनस 1 से किए कितना है माइनस x फिर माइनस का 1 का गुणा 2x से किए माइनस 2x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 बराबर 0 हो गया अब यहां क्या करेंगे 2x का घात 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 और यहां क्या है 1 2 में 1 जोड़े कितना है 3x प्लस 1 बराबर 0 अब समीकरण के रूप में आ गया है अब इसको तुलना करेंगे ax का घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a का मान क्या हो जाएगा 2 b का मान क्या हो जाएगा माइनस 3 b का मान माइनस 3 और c का मान क्या हो जाएगा 1 ठीक विभेदक का सूत्र लगाओगे तो d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac b का मान क्या दिया है माइनस 3 यहां क्या है क्योंकि माइनस 3 का घात कितना दिया है 2 माइनस के स्थान पर माइनस 4 के स्थान पर क्या लिखा 4 a का मान क्या दिया है 2 3 के बीच क्या चीज का चिन्ह है गुणा ठीक फिर a और c के बीच में क्या है गुणा c का मान क्या दिया है 1 अब इसको दो बार गुणा करेंगे ठीक क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 3 9 ठीक और यहां क्या आ जाएगा माइनस के स्थान पर माइनस 4 2 8 9 में 8 घटा कितना है 1 हो गया ये हो गया आंसर उसी प्रकार क्या दिया है 0 ये क्या है कुंभक लहर तीसरा चौथा और पांचवा ठीक